सिक्स काउंटडाउन सेकंड एडिशन। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 6B। 6B का क्वेश्चन नंबर वन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर वन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको ब्लैंक है ना, कि आपने यहाँ पे खुद नंबर लिखना है और यहाँ भी, ठीक है, और ये नंबर्स गिवन है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये आंसर कैसे आया, तो ये मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, यहाँ पे भी आपके पास ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप इस तरह कर लें कि जहाँ ये है ना क्वेश्चन मार्क पहला, वहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर सेकेंड ब्लैंक है वहाँ पर हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा फिर मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, तो उसके साथ सॉल्व करेंगे। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो 2/3 इज़ इक्वल टू एक्स बाई 18। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस तरह क्या होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, 2/18 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 18 × 2 = कितना होता है, 36, ठीक है, और 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें क्या आ जाएगा, कटिंग भी हो जाएगा ना, ये 3 × 1 = 3 होता है, ठीक है, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 6 होता है 2 × 2, तो क्या आ गया, 12 आ गया। इन दोनों को कटिंग करके 12 ऊपर आया, नीचे 1 आया, तो 1 नहीं लिखेंगे, 12 को 1 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, समझ आया। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 12 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, इसकी जगह x लिया था, समझ आया। अब जो आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू 12 आ गई है, ठीक है, आप इसमें पहले पुट करें, ठीक है। अब आप लिखें 2/3, वैसे का वैसे ही लिखें, इज इक्वल टू x की जगह क्या लिख लेना है आपने, 12 लिख लेना, ठीक है, सही है। x हमारे पास फाइंड आउट हो गया ना, उसकी जगह 12 लिख लें, नीचे 18 लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अभी हमारे पास y की वैल्यू नहीं आई, तो आप y का y रहने दें और 24 नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, पहले हमने क्या किया था याद है आपको, कि हमने इन दोनों को सॉल्व किए, अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है इनको, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, अब y की फाइंड आउट करनी है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखें 12/18 इज इक्वल टू y बाय 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12/24 आ जाएगा और y मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 12/24 और क्या आएगा, y इधर ही रहेगा, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें y का y ही है, अब कटिंग कर देते हैं, ठीक है, 6 के टेबल से कटिंग हो रहा है ना, 6 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, ठीक है। अब जो आया आपके पास वो लिख लें, या डायरेक्ट आप कटिंग भी कर सकते हैं ऊपर भी, लेकिन आप इस तरह कंफ्यूज ना हो जाएं, तो आप 2 का 2 वैसे ही रहने दें, 24 भी वैसे ही रहने दें, नीजिए 3 का 3 लिख दें, अब कटिंग कर दें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 24 होता है 3 × 8 = 8, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ऊपर 2 है और मल्टीप्लाई बाय 8 है और वाई है, तो 8 × 2 = कितना हो गया, 16, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। तो आप वाई की जगह जो है, हम लोगों ने क्या कहा था, एक्स की जगह हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, 12, तो यहाँ पे 12 लिख दें, और वाई हमारे पास यहाँ है ऊपर है, ठीक है, और वाई की जो वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद 16 आई है, तो वो हमने क्या लिख देनी है, वाई की जगह पे 16 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है, लेकिन फिर आपको इनमें कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, जैसे इसमें और इसमें, ठीक है, बाकी तो ये आपको इसमें भी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये वाले तो डायरेक्ट भी आ रहे हैं कि 2 के टेबल में आपको कैसे पता चलेगा, आप करें देखें, 3 है यहाँ पे, 18 है, ठीक है, आप देखें 3 के टेबल में 18 कितनी ज़्यादा आता है, 6 × 2 = ना, ठीक है, तो आप क्या करें, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें 6 से और यहाँ पे लिख दें, तो 2 × 6 = 12 आ गया, ठीक है, सही। और इसी तरह 3 के टेबल में 24 कितनी ज़्यादा आता है, 8 × 2 = 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें 16, ठीक है, वो ये मेथड हो जाता है। इसी तरह आप देखें
टू के टेबल में सिक्स कितनी ज़र आता है? थ्री ज़र ना, थ्री ज़र होता है ना, तो आप नीचे वाले को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेवन थ्री ज़र 21 यहाँ पर लिख दें। इसी तरह फिर आप देखें कि सेवन के टेबल में 63 कितनी ज़र आता है? नाइन ज़र, ठीक है, और नाइन को टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दें। समझ आ गई? ठीक है, आपने इस तरह करना है जिस तरह मैंने बताया, वो उस तरह कर लें। डायरेक्ट भी होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ आपको इन ये आपको समझ आ जाएगी डायरेक्ट में इसकी, ठीक है, तो बेहतर आप सॉल्व कर लें, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, रफ वर्किंग में सारा काम करना और इधर तो आंसर ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी इसी तरह ही होना है, ये भी सॉल्व कर देती हूँ। जैसे ये हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी जल्दी जल्दी। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे वाई ले लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इन दोनों को कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों हो गए। सेवन सिक्स का क्या आ जाएगा? 42, और 2x का 2x आ गया। x का x ही है 42, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अब कटिंग हो जाएगा। 2 1 2 होता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़र, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़र, तो क्या आ गया? 21 आ गया। x की वैल्यू अभी क्या आई है? 21 आ गई है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है? पहले इन दोनों को सॉल्व किया था, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 6x = y 63। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 6 का 6 ही रहने दें, x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह x की वैल्यू 21 = y फाइंड आउट करना है, y की जगह y आ जाएगा और 63 आ गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 6 × 63 आ जाएगा। ठीक है, और y मल्टीप्लाई बाय 21 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 63 6 जाए कितना होता है? क्या आ जाएगा हमारे पास? 378, और 21y क्या इस तरह आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 378 यहीं पे रहने दें, y भी यहीं पे रहने दें, 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को डिवाइड करें, कटिंग करें, क्या आता है? 21 कितनी ज़्यादा? 378 होता है, तो 21 18 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18। x की वैल्यू 21 आ गई और y की 18 आ गई। तो हम लोगों ने कहाँ x लेट किया था? इधर ना, इसकी जगह क्या लिख दें? 21 लिख दें, और यहाँ हम पे हमने क्या किया था? y इधर लेट किया था, तो y का जो आंसर आया 18, तो वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वन का पार्ट थ्री पे आ जाएं। ये देखें, ये है पार्ट थ्री, मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आप क्या करेंगे? ये और ये वाली ब्लैंक है आपके पास, तो यहाँ x लिख दें, यहाँ y लिख दें। ठीक है, और अब पहले आप इनको सॉल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.1 और 0.6 = 2 बाय एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, हम क्या करेंगे? एक्स के ही पे रहने देंगे, ये भी वैसे ही लिख दें। ठीक है, और 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दे, 0.1 और 0.66 आ गया। ठीक है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 है, तो 2 6 क्या आ गया? 12 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। ठीक है, आप एक और तरह भी कर सकते हैं कि पॉइंट्स ख़त्म कर दें, यहाँ भी सॉल्व कर लें और यहाँ भी, तो फिर आपको वो भी, ठीक है, उस तरह भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये भी कर सकते हैं। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, अभी y की भी तो करनी है ना। अब पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें 2xy/24, 2 का 2, x की जगह x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो यहाँ पे पुट करें, और y की जगह y, क्योंकि अभी वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 24 और y × 12। अब क्या हो जाएगा? 2 × 24 वैसे ही रहने दें, y भी है हम पे रहने दें, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग होता है ना, 12 1 12 होता है, 12 कितनी ज़्यादा? 24 होता है 2 ज़्यादा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 × 2 बचा ऊपर, और 2 2 ज़्यादा क्या आ जाएगा? 4। तो y की जगह क्या लिख दें? 4, और x की जगह 12। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? x लेट किया था, तो यहाँ पे 12 लिख दें, और यहाँ पे y की जगह लिख दें 4। तो यहाँ पे x 12 और यहाँ पे 4। ठीक है, समझ आए? ठीक है, अब पार्ट फोर पे आ जाएं इसके। यहाँ पे मैंने ये लिख दी है, ठीक है, हमारे पास ये है, यहाँ पे एक ब्लैंक खाली है, यहाँ पे x लिख दें और यहाँ पे y लिख दें। पहले अभी इन्हीं को सॉल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा? 3/5, ठीक है, 1.2x। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × x आ जाएगा और 1.2 × 5 आ जाएगा। x का x आ जाएगा, 1.2 × 5 ही है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, 1.2 है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को ऊपर रख दें, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 2000, 5 2s कितना होता है 10, पॉइंट्स की भी टेंशन ना लें, मैं आपने बताती हूँ, ठीक है। और अब 10s क्या आ जाएगा, 0, और 15s 5 आ गया, ठीक है। अब प्लस करें 0 0 और 5 में 1 प्लस करें 6, ये आ गया। अब आपने पॉइंट्स कैसे लगाने हैं, पॉइंट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे 1 decimal place है, 1 decimal place, 1 decimal place और 1 decimal place कितनी होगी, 2 decimal places। तो आंसर क्या करना है, हमने आंसर में आंसर को 2 decimal places बनाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें 1 और 2, ठीक है। 2 decimal places बनाना है ना, तो 1 और 1 यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दे, तो सिंपली 6 आंसर आ गया, क्योंकि 6.00 तो हम 6 ही लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 2s 6, तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाकी का, कि पहले हमने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लें, 1.2 / x = y 5/4, ठीक है। अब 1.2 तो वैसे ही रहने दें, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें 2 जो आई थी, और y का y 5/4 वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1.2 है मल्टीप्लाई 5/4 है, इसी तरह y मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब आप क्या करेंगे, y यहीं पे रहने दें, ठीक है, और क्या करेंगे, 1.2 5/4 वैसे ही रहने दें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका जो है नेक्स्ट, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इधर आपको कर देती हूँ ताकि आपको, ठीक है, समझ आ जाए, अगर मैं आगे वाले पेज पे जाऊँगी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका बाकी का कर रही हूँ। अच्छा देखिए, 1.2 को 5 से भी मल्टीप्लाई हमने पहले किया, 6 आया था, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिख दें, 6 लिख दें, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, और नीचे 4 का 4 है, आप नीचे 4 ही रहने दें, ठीक है, इज इक्वल टू वाई का वाई रहने दो, और नीचे क्या आ गया, ये वाला 2, समझ आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया, नीचे 4 का 4 आ गया, और इस तरह आ गया। फिर आप क्या करेंगे, देखें 6 का 6 है और ये 4 इधर है ना, इधर नीचे आ जाएगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आया। ऐसे ही होता है कि 6 है 6 है, 4 नीचे चला गया, ठीक है, तो 4 नीचे इधर आ गया, सही है, 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगी हूँ, 6 का 6 और क्या आ जाएगा, 4 2s कितना होता है, 8 होता है, इज इक्वल टू वाई। आप कटिंग कर सकते हैं ना, 2 के टेबल में 6 आता है 3s, 2 के टेबल में 8 आता है 4s, तो क्या आ गया, 3/4, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3/4 किसकी वैल्यू है, वाई की 4 है ये, ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू वाई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई थी, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर लें, यहाँ पे 3/4। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे x ले लें और यहाँ पे y ले लें, ठीक है। पहले इनको सॉल्व कर लें, जैसे हम करते हैं, क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x 4 = 4x और 5 1 = 5। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 का 5 ही रहने दे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले इन दोनों को सॉल्व किया था ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 आता है, ठीक है, 2 आता है, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने x की जगह जो है हमारे पास आंसर ये दिया हुआ है इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैं इसको आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ, और ये y की जगह 2 ही आ गया, ठीक है। अच्छा, मैंने अब क्या किया, पहले इन दोनों को लिया था, ठीक है, x की वैल्यू आ गई थी, अब इन दोनों को ले लिया, आपकी मर्ज़ी, आप दोबारा इन दोनों को भी ले सकते हैं, कि हमेशा हम ऐसे ही करते हैं ना, x की वैल्यू पुट करके इसके साथ लास्ट वाले के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये इधर होती है चीज़ और ये सिंपल इधर होता है, ठीक है। आप किसी तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो एक दूसरे के इक्वल हैं, तीनों एक आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो हमारी मर्ज़ी है, हम इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं सॉल्व, इसको इसके भी। और मैंने अब क्या किया है, ठीक है, 5/4 आंसर नहीं है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको डिवाइड कर लें, 5 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, 4 1 = 4 आ जाएगा, 5 में से 4 को माइनस करें, 1 आ जाएगा। अब इसको
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं पता है आपको? ऊपर वाला इधर, नीचे वाला इधर, और ये जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर वो बाहर। तो 1, 1, 4 इस तरह ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हो गए सॉल्व। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है मेरे रिमेनिंग वीडियोज़ में बनाऊँगी, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं डालूँ तो आपको मिल जाए, ठीक है? तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आपको इस बुक की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज भी देखनी है जो भी हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, तो उसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं।